रोहित मुजाल फ्रॉम डायरेक्टर्स इन्वेस्टमेंट्स.com। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ का नाम है ले मेरिट एक्सपोर्ट्स। ये अपना एक आईपीओ लेके आ रहे हैं, छोटा सा इश्यू साइज है 48 करोड़ रुपए का। आप इसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम 1600 शेयर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो प्राइस बैंड है वो भी लिमिटेड रखा हुआ है 75 रुपीज पर शेयर। सो इसका मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स 1,20,000 रुपए से ज्यादा नहीं अप्लाई कर सकते। इसकी जो लॉन्च डेट है एंड जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो ऑलरेडी यहां पे मेंशन्ड है। अब आते हैं कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं एनालिसिस ऑफ दिस कंपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ले मेरिट एक्सपोर्ट्स क्या काम करता है। ले मेरिट एक्सपोर्ट्स इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स सच एज कॉटन यार्न, ग्रेज फैब्रिक एंड फिनिश फैब्रिक्स। कंपनी के तीन वर्टिकल्स है, एक है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यार्न, सेकेंड है ट्रेडिंग ऑफ यार्न एंड थर्ड है ट्रेडिंग ऑफ ग्रेज एंड फिनिश प्रोडक्ट्स। तो तीन वर्टिकल्स है। जो लोग ले मेरिट एक्सपोर्ट्स को नहीं जानते उनको बता दूं, ले मेरिट एक्सपोर्ट्स का पुराना नाम था दिदवानी यार्न एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, कुछ याद आया हो। इसके बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, सच एज कॉटन फैब्रिक, टॉवल्स एंड बेडशीट्स, पॉलिस्टर एंड विस्कोस मटेरियल, एप्रल फैब्रिक, डाइड यार्न। इस कंपनी के दो सब्सिडरीज भी हैं, ले मेरिट फिलामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड ले मेरिट लक्ष्मी स्पिनिंग प्राइवेट लिमिटेड। जैसा का नाम सजेस्ट करता है कि ले मेरिट एक्सपोर्ट, तो इसका जो मेन काम है वो है एक्सपोर्ट्स का। इनका एक्सपोर्ट 52 कंट्रीज में जाता है, 52 कंट्रीज स्प्रेड अक्रॉस 5 कॉन्टिनेंट्स। कितना बड़ा स्प्रेड है इनका, कितना बड़ा फुट होल्ड है इनका आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट्स में। इस कंपनी की सबसे मेन स्ट्रेंथ है वो है इसकी एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इनके पास प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है और डेडिकेटेड एम्प्लॉय बेस है। एट्रिशन कम है एज कंपेयर टू अदर टेक्सटाइल्स एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज। लो कैपेक्स ऑपरेशनल मॉडल है, ज्यादा खर्चा नहीं है, ऑपरेशनल मॉडल बहुत ही लिमिटेड रखा हुआ है, तो ओवरहेड्स उतने ही कम है। लॉन्ग स्टैंडिंग एसोसिएशन विद लो कस्टमर कंसेंट्रेशन। इनका जो क्लाइंट बेस है वो बहुत ही पुराना है एंड दे आर मैनेजिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ देयर स्मॉलेस्ट ऑफ देयर क्लाइंट्स इंटरनेशनली। तो वो एक पुराना एसोसिएशन है जो चलता आ रहा है और वो हिल नहीं रहा, सो विच इज अ वेरी गुड स्ट्रेंथ। इनका जो सप्लाई नेटवर्क है वो डेफिनेटली अच्छा ही है। रीजन इज कि जब वो 52 कंट्रीज में मैनेज कर रहे हैं तो सप्लाई नेटवर्क अच्छा होगा, दैट्स व्हाई दे आर मैनेजिंग इट इन अ वेरी गुड वे। फाइनली दे हैव डाइवर्सिफाइड देमसेल्फ इनटू ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबल इको फ्रेंडली टेक्सटाइल्स। इंटरनेशनली आप देखेंगे ऑर्गेनिक एंड इको फ्रेंडली पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है। इंटरनेशनली क्या, इवन तो इंडिया में भी अब बहुत ज्यादा फोकस आ गया टूवर्ड्स इको फ्रेंडली। सो वो ये डेवलप कर चुके हैं उस मॉडल पे एंड दैट्स व्हाई दे आर रीपिंग प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स से अगर हमने प्रॉफिट्स की बात की है तो अब हम आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है। कंपनी के फाइनेंशियल्स आपके सामने हैं। कंपनी के 2019 के फाइनेंशियल्स देखते हैं। सबसे पहले इनके टोटल एसेट थे 56 करोड़ रुपए के और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 1.12 crore। 31 मार्च 2020 के फाइनेंशियल देखे तो टोटल एसेट्स मोर लेस सेम थे बट प्रॉफिट बढ़ के हो गया 3.14 crore। 31 मार्च 2021 को देखे तो इसके जो टोटल एसेट्स थे वो बढ़ के 92 crore हो गए और इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो हो गया 7 crore हो गए, विच मींस मोर देन डबल फ्रॉम 2020। और अगर हम प्रोविजनल फिगर्स देखें टिल 31 दिसंबर 2021 तक तो इसके टोटल एसेट्स कितने हो गए, 177 crore, ऑलमोस्ट डबल हो गए। अगर रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू भी 370 crore रुपए हो गया, जो कि अगर हम पुराने टाइम में देखें तो रेवेन्यू 2021 में था, 31 मार्च 2021 को था 269 crore, कितना हो गया 370 crore हो गया। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया 15.86, ये 31 दिसंबर 2021 की फिगर्स है। तो इसका मतलब 31 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक कितना हो गया, डबल हो गया। इसका मतलब कंपनी में जान है, जान नहीं बहुत ज्यादा जान है। अभी तो 31 मार्च की फिगर्स आई नहीं है
31 मार्च की जो फिगर्स आएंगी दे वुड बी इन गुड प्रॉफिट्स। सो मेरी तरफ से आफ्टर फाइनेंशियल्स को अगर मैं देखूं तो मेरे लिए तो बिग थम्स अप है फॉर दिस पर्टिकुलर आईपीओ। लिस्टिंग गेन्स का मैं बार बार कहता हूं मुझे नहीं पता होता कि मैं लिस्टिंग गेन्स आपने डाला और लिस्टिंग गेन्स आप क्या कमा लेंगे, बट ये एक अच्छा आईपीओ होगा, आप इसमें पैसा डाल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म का मुझे नहीं पता, लॉन्ग टर्म में अच्छा आईपीओ रहेगा। रीजन इज कि कंपनी की जो स्ट्रेंथ वो फाइनेंशियल्स में है, कंपनी ने इको फ्रेंडली में अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लिया है, कंपनी का एक्सपोर्ट चलता जा रहा है, कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं वो कंसिस्टेंट है, रह रहे हैं, चेंज नहीं करते, उनका सप्लाई नेटवर्क अच्छा है, और क्या चाहिए, हर चीज तो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन में चल रही है। अब आते हैं इस बात को एनालाइज करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस पैसे का। उनको इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए और उनको जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए पैसा चाहिए। एक और थम्स अप मिलेगा इसके लिए, रीजन इज कि कोई लेंडिंग नहीं पे कर रहे, इनके कोई डेट्स है जो नहीं पे कर रहे पैसे को लेके, तो क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल को। जब वर्किंग कैपिटल आएगी, कैश फ्लो आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, जब पैसा सिस्टम में आएगा तो उनका और स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। सो आई फील ले मेरिट एक्सपोर्ट्स इज अ गुड आईपीओ फॉर यू टू कंसीडर एंड कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खुलवाया है तो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें एंड ओपन योर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट विद अस विदाउट एनी चार्ज। जी हाँ, देयर इज नो चार्ज फॉर दैट। आपको अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है विद रिगार्ड टू द स्टॉक और समथिंग, आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मी एंड माय टीम विल गाइड यू एंड असिस्ट यू इन दिस रिगार्ड। आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े रह सकते हैं, आप मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।